हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं केक। केक बनाने के लिए सबसे पहले 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड, 1 कप पिसी हुई चीनी, 2 कप मैदा और 1 कप दही लेंगे। उसके बाद एक बड़ा सा बर्तन ले लें, उसमें चीनी डाल दें। चीनी को पीस कर ही लें। मोटी चीनी लेने से वो पिघलने में बहुत टाइम लगाएगा, इसलिए चीनी पीस कर ही लें। उसके बाद 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड डाल दें। चाहे तो आप इसमें घी भी ले सकते हैं। सरसों तेल का यूज इसमें ना करें। उसके बाद दही डाल दें। दही डालकर इसे बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह फेंटना है। इसे जितना अच्छा फेंटेंगे आपका केक उतना ही अच्छा तैयार होगा, इसलिए 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए फेंट लेंगे। उसके बाद इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद देखिए अभी गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। मैं 1/2 कप पानी ली हूँ, बस इतना ही पानी लगता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक बार में सारा नहीं डालें, वरना आपका बैटर पतला हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे मिला लेंगे। उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए इस तरह का बैटर बनाना है, बिल्कुल इसी तरह का बैटर बनना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब कोई भी एक केक टिन ले लें या कोई भी बर्तन, आपके घर में जैसा भी बर्तन हो आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से लगा लें, ताकि जब हमारा केक इसमें बेक हो तो अच्छे से बाहर निकल कर आए। मैं बस इसमें रिफाइंड लगा कर ही बेक करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। देखिए बर्तन अच्छे से ग्रीस हो गया है। अब उधर आज कढ़ाई में बनाएंगे तो पहले देख लेते हैं कढ़ाई को प्रीहीट करना है। पहले गैस ऑन कर लें और कोई भी एक कढ़ाई ले लें आप, पुरानी कोई भी। उसके बाद इसमें एक ऐसा स्टैंड रखेंगे जाली वाला, और इसे ढक करके 5 मिनट फुल फ्लेम पर इसे प्रीहीट होने देंगे। बिल्कुल गर्म हो जाएगा अच्छे से तब। हाँ, जब तक उधर कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है तब तक इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग सोडा कम डालेंगे। 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। ये 1/2 चम्मच है, इसमें ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा कम डालना है, बेकिंग पाउडर ज़्यादा। डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने से पहले कढ़ाई को गैस पे ज़रूर रखकर उसे प्रीहीट होने देंगे, क्योंकि जब वो अच्छी से हीट प्रीहीट हो जाएगी कढ़ाई, उसके बाद ही इसमें सोडा मिलाएंगे। सोडा मिलाने के बाद इसे तुरंत बेक करने के लिए रखना होता है। इसको आप 5 मिनट भी बाहर नहीं रख सकते, इसलिए पहले कढ़ाई को प्रीहीट की, उसके बाद इसमें सोडा मिलाई। सोडा मिलाकर देखिए अब इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला ली थी मैं। उसके बाद केक टिन में डाल दें। थोड़े से काजू और किशमिश, काजू और बादाम को मैं काट ली हूँ 2 टुकड़ों में। उसमें थोड़ा सा मैदा डाल करके मिक्स कर दी। इससे काजू बादाम जो हैं वो अंदर नहीं दबेगा, इससे ऊपर ऊपर जिस तरह से आप सेट करेंगे उसी तरह का बनकर निकल कर बाहर आएगा। जब ये केक तैयार हो जाएगा
तब इसी तरह से ऊपर में ये दिखेगा। तो इस तरह से अच्छे से काजू और बादाम को अच्छे से इस तरह से सजा देंगे, उसके बाद इसे बेक करने के लिए रखेंगे। बेक करने में 45 मिनट लगता है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 45 मिनट लगेगा। बीच बीच में आधे घंटे के बाद एक बार चेक करें, फिर 10 मिनट के बाद चेक करें, बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। देखिए अब फ्लेम को लो कर दें, लो फ्लेम पर इसे आधे घंटे तक बिल्कुल छोड़ देंगे। आधे घंटे हो, देखिए आधा घंटा हो गया है, फिर भी अभी बहुत ही कच्चा है ये, तो इसलिए इसको फिर से ढक देंगे। फिर 10 मिनट के बाद फिर इसे चेक करेंगे। देखिए 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट के बाद देखिए इतना पका है, अभी फिर भी अभी थोड़ा और कच्चा है। देखिए अभी चाकू में लग रहा है, इसका मतलब कि अभी बेक नहीं हुआ है। ये तीसरी बार है, तीसरी बार में देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन आया है, इसका मतलब कि केक बनकर तैयार हो गया। अब इसे गैस बंद कर दी और कढ़ाई से बाहर निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा तक इसको बिल्कुल छूना नहीं है, बिल्कुल टच नहीं करें, इसको अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे बाहर निकालेंगे। अगर आप गरम गरम केक को बाहर निकालेंगे तो केक अंदर से टूट जाएगा, इसलिए केक को निकालने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। देखिए बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है, कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है। क्रिसमस पर आप भी अपने घर में केक बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है, मैं इस तरह से आपको दबा कर दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा केक बनने में 45 मिनट लगेगा, इसलिए आप अपने गैस के अनुसार आपका फ्लेम कैसा है इस पर ध्यान दे करके बीच बीच में केक को चेक करना बिल्कुल ना भूलें, ध्यान रखें। देखिए बहुत ही टेस्टी केक बनकर तैयार हो गया, बहुत ही कम चीज़ में, बहुत ही आसान तरीके से कढ़ाई में। इस तरह से आप अपने घर में केक बनाएं और क्रिसमस में केक बनाकर एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।